नमस्कार, मेरा नाम है भारत टीवी। आप देख रहे हैं इस वक्त हम मोहम्मद नगर के रोड पर मौजूद है। एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ है सुबह के वक्त। मैं चाहूंगा सबसे पहले एक बार इस तस्वीर को दिखा दे। पूरी तरीके से ये गाड़ी आगे से समाप्त हो गई है। सुबह का वक्त था, कोहरे के बीच में ये एक्सीडेंट होता है और ये भयानक एक्सीडेंट। ठीक उसके सामने गाड़ी और भी है, आमने सामने से आकर के गाड़ियां टकराती हैं। क्या कुछ हुआ था, ज्यादा जानकारी के लिए कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं, जानते हैं। दरअसल लगातार में बात में एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक के बाद एक एक्सीडेंट होता जा रहा है। कहीं ना कहीं रोड भी कम चौड़े हैं। आखिरकार क्या वजाहत रही कि सुबह ही सुबह ये दो गाड़ियां आमने सामने से आकर भिड़ गई। कितनों किसी को चोट लगी, क्या स्थिति है, जानने के लिए चलते हैं सीधे लोगों के पास। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बुखारा का। क्या है कुछ इसके बारे में जानकारी, एक्सीडेंट के बारे में? एक्सीडेंट ऐसा, जी साइड से कोई पिकअप आ रही थी जी, इसने ओवरटेक किया था। ठीक है, जो है ड्राइवर था इस पे भी गाड़ी नहीं रुक पाई। अच्छा, वो गाड़ी रुकने का कारण ये, अगर वो पास बराबर में कोई गाड़ी नहीं होती तो साइड में ले लेता जी। तो दोनों गाड़ी कारण एक्सीडेंट हुआ जी। चोट किसी को लगी? डंपर वाले को पैर टूटे हैं दो। अच्छा, फिर हम फ्रैक्चर आया, उसको पता नहीं भी आगे उसकी क्या पोजीशन है, उसको हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, कितने बजे का हादसा है? लगभग सुबह 6:15 का जी। देखिए यहाँ पर ये लोग हैं, हम लोगों से थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं कि जानते हैं स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी अपनी बात रखते हुए भी नजर आ रहे थे। खैर आपको बता दे, लगातार हम आपको मेहमान से जुड़ी हर अपडेट से रूबरू कराते रहते हैं, लेकिन हादसे पर हादसा ये बड़ा सवाल है। आखिरकार कब मेहमान में हादसे रुकेंगे? आपके आंखों के सामने मंजर है, दो गाड़ियां आमने सामने से आती हैं, टकरा जाती हैं और एक बड़ा हादसा होता है जिसमें एक ड्राइवर अपने पैर गवा देता है। खैर जैसी कोई अपडेट रहती है फिर पहुंचेंगे आपके पास। तब तक के लिए नमस्कार।